नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना करेली पुलिस को मिली बड़ी सफलता हासिल। आपको बता दें कि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंधी हत्या का किया खुलासा और पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में भी पेश किया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की जुबानी पूरे मामले की कहानी। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह ज्ञात हुआ कि मृतिका सुनीता सोनी ब्याज में पैसा देने का काम करती थी। आरोपी ने 8 माह पहले 45,000 रूपए उधार लिया था जो कि वापस नहीं किया था, जिसके चलते मृतिका लगातार आरोपी पर पैसे वापस करने का दबाव बना रही थी, जिसके परेशान होकर आरोपी ने मृतिका की हत्या कर दी। मैं अपने घर पर मिली थी, पोस्टमार्टम में ज्ञात हुआ कि इसकी हत्या गला घोंट के की गई है, तो पुलिस ने इसमें हत्या का अपराध दर्ज किया था और उक्त महिला के हत्या के आरोप में अभिनेंद्र उर्फ बबलू नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसे न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। कारण यह ज्ञात हुआ है कि ये जो मृतिका महिला है, ये जिस गांव की निवासी है उस गांव में टीचर है और आरोपी भी उसी गांव का रहने वाला है और दोनों के बीच 45,000 रुपये का लेन देन था। जो मृतिका है उसको आरोपी से 45,000 रुपये वसूलने थे, इसी कारण उसने विवाद हुआ दोनों के बीच में और आरोपी ने मृतिका की हत्या कर दी गला घोंट के। आरोपी के सर बच्ची को कई मृतिका भी कई सालों से रखे हुए थे, पढ़ा रही थी, एक एहसान टाइप का कुछ। ये अनुसंधान में स्पष्ट हो जाएंगी सभी चीज़ें, जो भी तथ्य ज्ञात होंगे अनुसंधान में स्पष्ट हो जाएंगे। आरोपी गिरफ्तार आरोपी गिरफ्तार हो गया, न्यायालय प्रस्तुत कर दिया।